हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सभी बच्चों की बहुत डिमांड थी ना कि भाइयों अमन क्लास 11 की बायोलॉजी के वीडियो नहीं आ रहे हैं, अब आने लगेंगे, ठीक है। लेकिन सभी बच्चे अब सिंसियर हो जाओ, सही से पढ़ो। बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी के वीडियो 4 बजे अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम, फाइलम स्केलमेंथिस, फाइलम प्लेटेहेलमेंथिस। आप मुझको एक प्रश्न का जवाब दीजिए, फाइलम एसके हेलमेंथिस का एक उदाहरण दीजिए। और लगे हाँ, दूसरा प्रश्न भी तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, कभी कभी तो मैं आता हूँ प्रश्न पूछे। दूसरा प्रश्न है शंख प्लेटे हेलमेंथिस का कोई एक उदाहरण दे दो, कोई अच्छा सा उदाहरण जिससे हम समझ जाए कि प्लेटे हेलमेंथिस है। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ एनेलिडा। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पढ़ेंगे संघ एनेलिडा। इसके बारे में बच्चे शंघ एनेलिडा, थंबनेल पर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। फाइलम एनेलिडा लिख लो, फाइलम एनेलिडा, ठीक है ठीक है। खूब हंसो खेलो गाओ, सब कुछ समझ आने वाला है। इधर बायो अमन से पढ़ने आए हो बायोलॉजी, ठीक है। चलो सबसे पहले ये समझ लो कि जो संघ एनेलिडा है, शंघ एनेलिडा की जो खोज थी ना, वो सबसे पहले 1801 ईस्वी में एक लैमार्क नाम के साइंटिस्ट आए थे। कौन? लैमार्क, ठीक है। 1801 ईस्वी में लैमार्क ने इस संघ की क्या की? स्थापना की, स्थापना, ठीक है, संघ की स्थापना की, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और वैज्ञानिक, आते हैं मायर। मायर के अनुसार, मायर ने बताया कि संघ एनेलिडा में लगभग 7000 जीव, 7000 ज्ञात जातियां हैं, ठीक है। मायर ने अनुमान लगाया और बताया कि लगभग 7000 ज्ञात जातियां पाई जाती किसमें? संघ एनेलिडा में। समझते हैं संघ एनेलिडा का मतलब क्या होता है। तो बच्चे जो एनेलिडा होता है, एनेलिडा, एनेलिडा का शाब्दिक अर्थ, एनेलिडा जो होता है, एनेलिडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एनेलिडा का शाब्दिक अर्थ होता है खंड युक्त क्रमी। कौन से क्रमी? खंड युक्त क्रमी, सिगमेंटेड वॉर्म्स, सिगमेंटेड वॉर्म्स, खंड युक्त क्रमी, क्रमी यानी कि एनेलिडा संघ के जो जीव है, जैसे ये जीव है, एक तो हमने ले लिया कोई जीव है, ठीक है। अब इसके शरीर में खंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे? इसके शरीर में खंड देखने को मिलेंगे। जैसे हमने एनेलिडा संघ के जो जीव है उसमें हमने ले लिया केचुआ, ठीक है। क्या लिया हमने बच्चे? केचुआ। तो हमने देखा कि यहां पर सिगमेंटेड वॉर्म्स पाए जाते हैं, खंड युग। देखिए इसमें कितने खंड है केचुआ के, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, पहले हम लोग चित्र से समझा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए जिसको बोलते हैं लुम्ब्रिसीना, ठीक है, केचुआ को क्या बोलते हैं? लुम्ब्री, ठीक है, लुम्ब्रिसीना, सीना केचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। देखते केचुआ है जैसे खंड वाम, अब इसके एक खंड को बोलना सिगमेंटेड वाम, और जो ये खंड युक्त क्रम होता है, एक खंड को बोलते हैं मेटामिरर्स। क्या बोलते हैं? मेटामिरर्स, मेटा मिरर्स बोलते हैं। यदि हम इन सारे खंड को सिगमेंटेड वॉर्म बोल देंगे और एक खंड को मेटा मिरर्स बोलते हैं, याद रखना बच्चे, ठीक है, समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे देखो ये सब खंड है, हमने इसका एक खंड को बाहर निकाला, ये निकाला। अब इस खंड को जब हमने बड़ा किया, जब केचुआ था, केचुआ के एक खंड को देखा, भैया उसके अंदर कई खंड है, एक खंड को जब हमने बड़ा किया तो हमको कुछ ऐसी संरचना देखने को मिली, ठीक है। ये देखो ये खंड है, यहाँ समझना, इस खंड से जुड़े होते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए
थोड़ा सा मैं देख देख के बना लूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे बनाने में। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसमें यहाँ पर कुछ फिर एक यहाँ से है ना, देखोगे वहाँ बुक में देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ये देखो, इसका हमने एक खंड यानी कि एक मेटामियर्स को लिया। अब मेटामियर्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। इसमें सबसे पहले एक खंड में पाया गया हमको माउथ। ठीक है, माउथ पाया गया। इसके बाद ये देखिए हमारे दो ठो क्या पाए गए, ये हमारे पाए गए ब्रेन। याद रखना इस संघ के जीव में मेटामियर्स पाए जाते हैं, याद रखना हमेशा, नीट लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ लो। ठीक है, ब्रेन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एसेसरी हार्ट पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हार्ट है ये है हार्ट हमारा मेन हार्ट। ठीक है, और इसमें कई एसेसरी हार्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, कई एसेसरी हार्ट, एक दो नहीं तीन चार तो एसेसरी हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने देखा ये है इसमें पतली पतली जैसे गई तो हमने बोल दिया ये है इसमें ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या है हमारी ब्लड वेसल्स पाई गई इसमें। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या हुआ बच्चे, डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये यहाँ पाया गया हमारा एक्सक्रीटरी। ठीक है, क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया गया। ठीक है, यहाँ से खाना आ रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है जैसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में खाना पच रहा है, इसके पीछे रहता है डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन से वो बाहर निकल जाता है। ये है हमारा केचुआ लुम्ब्रिसियाना, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वॉर्म। बताइए समझ में आई सारी चीज़ें। और इसकी बाहरी परत जो अर्थवर्म की जो बाहरी परत होती है वो होती है क्यूटिकल। कौन सी होती है, क्यूटिकल। अब एक एग्जांपल आपको और दे दें शंगेनिलीडा का। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसका एक खंड को क्या बोलते हैं मेटामियर्स। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इस संघ के एग्जाम, इस संघ का जो मेटामियर्स है ना, इस संघ का एक एग्जाम्पल और है जिसको हम लोग नेरिस के नाम से जानते हैं। किसके, नेरिस के नाम से। ठीक है, नेरिस कैसा होता है, वो भी जस्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, ये देखो ये हुआ हमारा नेरिस, और नेरिस भी इस संघ का उदाहरण है। ठीक है, याद रखना नेरिस भी इस संघ का उदाहरण है। नेरिस में भी सेम चीजें यही पाई जाती हैं, लेकिन इसमें आई पाया जाता है, आई स्पॉट। ठीक है, और आई स्पॉट के साथ ये जल में रहते हैं। कहाँ पे रहता है नेरिस, नेरिस रहता है जल में। जल में इसको चलने के लिए ना इसमें पाया जाता है पैरापोडिया। एक चीज में मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैरापोडिया। ठीक है, याद रखना पैरापोडिया। नेरिस एनिलीडा संघ का जंतु होता है और जल में इसको चलने के लिए पैरापोडिया पाया जाता है। ठीक है, और इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और तो सब आप लोग देख लेंगे बुक से। ठीक है, ये वो नेरिस, नेरिस का ये ना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हुए, आपका हुआ केचुआ हो गया नंबर एक, फिर दूसरा हो गया नेरिस। ठीक है, और नंबर तीन हो गया आपका हेरुडिनेरिया। ठीक है, नंबर तीन क्या हो गया, हेरुडिनेरिया, हेरुडिनेरिया जी। ठीक है, इसका होता है जोंक नाम होता है। ठीक है, अब देखिए हेरुडिनेरिया जो जोंक होता है ना, वो कैसा बना होता है, ऐसा बना होता है, उसमें खंड होते हैं, कई खंड। तो इन खंडों के ना नाम होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह बीस पचास। ठीक है, कितने भी खंड के नाम होते हैं, उस खंड के नाम में पता रहता है कि चार खंड में ना खाना पकता है,
छः खंड में हर्ट होता है, आठ खंड में ये होता है, लेकिन ये खंड वाला जमाना अब चला गया, ठीक, खंड वंड अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मेरे सभी बायोमन के कमांडर्स को पता हो गया कि शंग एनिलिडा के जंतु कैसे होते हैं, खंड युक्त होते हैं, सिगमेंटेड वॉर्म होते हैं, और ये जीव का मुख्य लक्षण जली और स्थली होते हैं। इनका अगर मुख्य लक्षण पूछ लिया जाए तो ये जली होते हैं और स्थलीय दोनों होते हैं, ठीक है। इस संघ के जीव जलीय और स्थलीय होते हैं। स्वतंत्र जीवी ये क्या होते हैं, ये हमारे स्वतंत्र जीवी होते हैं, और क्या होते हैं, और परजीवी भी होते हैं, ठीक है। ये हुआ इसका मुख्य लक्षण। अब आप सभी लोग डालेंगे सामान्य लक्षण, हेडिंग डालो सामान्य लक्षण, जनरल करेक्टर्स, ठीक है। जनरल करेक्टर्स में नंबर एक अब लिखेंगे आप लोग कि इस संघ के अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, कुछ अलवण जल में या स्थल पर भी पाए जाते हैं, पहला हो गया। दूसरा नंबर लिखो, इस संघ के जीवों का शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम का होता है, ठीक है, अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्गन पाए जाते हैं। इस संघ के जीवों का शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। तीसरा नंबर लिखो, इस संघ के जीवों का शरीर द्विपार्श्व सममिति, द्विकोरिक, क्रमिक विखंडित, ये याद रखना, ठीक है, क्रमिक विखंडित हमेशा पूछा जाता है, क्रमिक विखंडित यानी कि क्रम में लगभग विखंडित रहते हैं, टूटने खंडित रहते हैं, ठीक है, क्रमिक विखंडित, मेटामेरिकली सिगमेंटेड, ठीक है, मेटामेरिकली सिगमेंटेड, ठीक है, क्रमिक विखंडित, मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं, क्रमिक विखंडित होते हैं, ठीक है, और ये प्रगुही भी होते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति, द्विकोरिक, क्रमिक विखंडित तथा प्रगुहीय होते हैं। तीसरा नंबर हेडिंग डालिए कि चौथा नंबर हेडिंग नहीं बच्चे, चौथा नंबर, इस संघ के शरीर में, इस संघ के जीवों के शरीर में नली रूपी सीधी आहार नाल पाई जाती है। यहां पे आपने देखा सीधा आहार नाल, ठीक है, सीधा डाइजेस्टिव ट्रैक पाया गया, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल सीधा पाया गया। तो इसको मिटा दूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे तो उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग देख ले रहे हैं इनको, सबको लिख लेना अपने कॉपी में। चलो फिर एनिलिडा में क्या होता है, फिर एनिलिडा में आया कि इस संघ के जीवों का श्वसन क्लोमो या सामान्य बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है, किससे, क्लोमो, जिसको बोलते हैं गिल्स, गिल्स या बॉडी सरफेस, क्या, इस संघ के जीवों का जो श्वसन होता है ना, या तो वो गिल से हो जाएगा या फिर बॉडी सरफेस से हो जाएगा। अब डालो छठवां नंबर में लिखो कि इनमें बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, इनमें बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, इनमें जो खून होता है ना वो वेसल्स के तरह जाता है, ऐसा नहीं कि टंकी में एक जगह भरा रहे, जैसे हमारे में बंद परिवहन तंत्र, इसमें भी बंद परिवहन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन जीवों के शरीर में कई परतें पाई जाती हैं, अभी बताया था कि इन जीवों के शरीर के बाहरी परत कौन सी पाई जाएगी, क्यूटिकल और उपचर्म, ठीक है, तो लिखिए इन जीवों के शरीर की सबसे बाहर इन कई परतें पाई जाती हैं और बाहरी परत को क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बाहरी परत को, बाहरी परत को बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। अब आपने देखा इस जीवों के शरीर में क्या पाया गया, किडनी, एक्सक्रीटरी पदार्थ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, यानी कि इसमें उत्सर्जन के लिए अलग से कोई विशेष सुविधा है, ठीक है। तो देखिए इस संघ के जीवों में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा, नेफ्रिडिया लिखिए कि इस संघ के जीवों में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है, जो देह खंडों में स्थित होता है, जो देह खंडों में, ठीक है, जो देह खंडों में स्थित होता है, देह खंडों में स्थित का मतलब प्रत्येक खंड में, एक खंड में यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, मतलब प्रत्येक खंड में वो स्थित होता रहता है, ठीक है। चौथा नंबर कि इस संघ के जंतु,
एकलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, इस संघ के जंतु क्या होते हैं? इस संघ के जंतु एकलिंगी या फिर उभय लिंगी होते हैं। तो आप लोग बना बना के ना बड़ा बड़ा लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चे, सभी लोग लिखेंगे। अब लिखिए, परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पाया जाता है। ठीक है, और लिखेंगे अप्रत्यक्ष परिवर्धन में स्वतंत्र। ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन में स्वतंत्र ट्रोकोफोर। ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन में स्वतंत्र ट्रोकोफोर। अप्रत्यक्ष परिवर्धन में स्वतंत्र ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, लार्वा पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? मोस्ट आईएमपी। बोलो बोलो, ट्रोकोफोर लार्वा किस संघ के जीवों में पाया जाता है? बताओ सभी बच्चे, जवाब दो, ट्रोकोफोर लार्वा किस संघ के जीवों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है संघ एनिलीडा के। ठीक है, ये हुआ आपका संघ एनिलीडा। अभी एक है ना, एक और पाया जाता है इसमें, तंत्रिका वलय एवं तंत्रिका रज्जु से मिलकर इसमें तंत्रिका तंत्र बना होता है। जो इसमें तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? वो तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु। ठीक है, तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु, इन दोनों चीजों से मिलकर के तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम बना होता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है अभी बताया, पैरापोडिया। ठीक है, केचुआ, नेरिस। ठीक है, नेरिस हो गया हमारा है ना, नेरिस हो गया, हेटेरो नेरिस। ठीक है, एक नेरिस हो गया और दूसरा हो गया हेटेरो नेरिस। ठीक है, जोंक हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हो गया हेरुडिनेरिया। ठीक है, हेटेरोनेरिस या फिर जिसको बोलते हैं हेरुडिनेरिया। ठीक है, हेरुडिनेरिया जिसको हम लोग जोंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके एग्जांपल। ठीक है, तो आज अब आप लोग पढ़ चुके हैं संघ एनिलीडा। ठीक है, फाइलम एनिलीडा के बारे में। और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था क्लास 11th वाले बच्चे, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, और आपको बता दें हमारा एक दूसरा चैनल है जिस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। आप लोग उस चैनल पर ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। ठीक है, और हाँ, यदि आप हमको हमसे बात करनी है तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर बातें कर सकते हैं। आईडी की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, स्पेशली बायो अमन से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।